हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे खीमा अक्खा मसूर बिरयानी, जिसके लिए हमने 1 किलो खीमा ले लिया है, 1/2 किलो अक्खा मसूर ले लिया है जिसे हमने आधा घंटा पहले भिगो लिया था, 1 किलो बासमती राइस ले लिया है, मसाले में हमने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार ले लिया है। 1/2 कप हमने दही ले लिया है, बिरयानी मसाला ले लिया है, 2 कली लहसुन के लिए है, 50 ग्राम अदरक, 5 हरी मिर्च, कोथमीर, हरा धनिया, कड़ी पत्ता 10 से 12 लीव्स, टमाटर 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए, 3 बड़े प्याज, अक्खा गरम मसाला में हमने तेज़पत्ता, फूल 2 फूल, दालचीनी और 2 इलायची लिया है जिसे हम गोश में यूज़ करेंगे, जो हमने खीमा लिया है उसमें यूज़ करेंगे ये गरम मसाले को। और ये जो गरम मसाला है जिसमें हमने तेज़पत्ता ले लिया है 3 से 4, 2 फूल, 2 इलायची, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी और शाहजीरा, इसे हम यूज़ करेंगे चावल पकाने में। और ये जो हमने लिया है 10 से 12 काली मिरी, 4 से 5 लौंग, 3 इलायची, शाहजीरा और दालचीनी के टुकड़े कर लिए हैं और फूल के भी 4-5 टुकड़े ले लिए हैं जिसे हम अदरक और लहसुन के साथ पीस लेंगे। हमने इसमें जो मसाले में हमने इसमें काली मिरी का यूज़ नहीं किया है अक्खा, हम उसे पीस लेंगे क्योंकि जो अक्खा मसूर रहेगा उसमें अगर मिक्स हो जाएगी तो हमारे मुँह में आएगी, वो दिखेंगी नहीं, इसलिए हमने उसे पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, अक्खा नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रेसिपी। अब हम अदरक लहसुन हरी मिर्च जो हमने ली थी 5, हरा धनिया और जो हम गरम मसाला बोला था पीसने के लिए उसे डाल के हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। आठ से दस काली मिरी लिया है हमने इसमें, 4 से 5 लौंग, दालचीनी और 3 इलायची। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अभी जो अक्खा मसूर है हम उसे उबाल लेंगे, जिसे हमें कुकर में 3 सीटी देना है। इसमें हमने 1/2 ग्लास पानी डाल लिया है जिसमें हमारे मसूर जो है पूरी तरह से डूब गए हैं। और अब हम इसमें मसूर के हिसाब से नमक डाल लेंगे। अब हम बंद करके इसे 3 सीटी तक दे देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। अभी हमने इसे पकने रख दिया है, मतलब अब हम एक तपेली को तब तक गर्म कर लेंगे और उसमें 6 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। अभी हमारा तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज को भून लेंगे। हम इसे सुनहरा कलर होने तक भून लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज भी सुनहरी कलर की हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ी सी निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। तेल निखार के देखिए हमने इतनी क्वांटिटी में निकाल लिया है गार्निशिंग के लिए। प्याज का जो स्मेल भी अच्छा आने लग रहा है अभी भुनने के बाद, इसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसमें खीमा डालेंगे जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर उसका पानी पूरी तरह से निकाल लिया है।
और हम प्याज में उसको मिक्स कर लेंगे। खीमे का पानी आप अच्छी तरह से निकाल ले और उसे एकदम सूखा करके डालें। जिस तरह देखिए हमने पूरा उसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे प्याज में। अब हम इसमें अखा गरम मसाला डाल लेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे फास्ट गैस करके भून लेना है ताकि जो भी खीमे में और पानी बचा हुआ रहेगा वो भी अच्छी तरह से इसमें सूख जाना चाहिए। हम इसे फास्ट गैस करके भून लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट, ताकि जो पानी है वो पूरी तरह से सूख जाए। और एक गैस पे देखिए हमने अपनी दाल को भी उबाल लिया है, जो इस तरह से खड़ी खड़ी हो गई है, अच्छी तरह से उबल चुकी है। जब तक हमारा खीमा जो कि पकता है, एक गैस पे हम चावल का दुगना पानी ऐड करके उसे गरम कर लेंगे और उसमें सारा अखा गरम मसाला जो चावल के लिए हम डालेंगे। पानी पहले गरम करने से क्या होगा, हमारे चावल जो के जल्दी पक जाएंगे, इसलिए हम पहले गरम पानी में अखा गरम मसाला डाल लेंगे और 1 बड़ा चम्मच उसमें हम तेल भी डाल लेंगे। जिससे तेल से क्या होगा, जो हमारे चावल है वो खुले खुले बनेंगे, चिपक चिपक नहीं होंगे। और चावल के हिसाब से हम उसमें नमक भी डाल लेंगे। अब जब तक पानी अच्छी तरह से उबलने ना लगे तब तक हम इसे फास्ट गैस पे पकने देंगे। पानी जैसे ही उबलने लगेगा हम उसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसे 5 मिनट तक हमने इसे पका लिया है क्योंकि पानी बहुत छूट रहा है। अब हम इसमें जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल लेंगे। सारे पाउडर डाल लेंगे, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, नमक। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट तक हम इसे भून लेंगे ढक्कन ढककर। हमने इसे 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। आलू पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है खाने में तो आप इसे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। आलू को भी हम पूरी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे खीमे में। अब हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। गैस हमने मीडियम कर लिया है और इसे पकने देंगे। हमने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें दही डाल लेंगे। और अब हम इसमें बिरयानी मसाला डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच।
और इसे मिक्स कर लेंगे। और फास्ट गैस पे हम इसे 1 मिनट तक भून देंगे। देखिए एक तरफ हमारे चावल का पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और हमने चावल को आधा घंटे पहले भिगो लिया था। अब ये भिगे हुए चावल हम इस गर्म पानी में डाल लेंगे ताकि हमारे चावल जल्दी से पक जाए। मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। चावल को पानी में पूरी तरह से मिक्स करके हम इसे 80% तक हमें कुक कर लेना है। ये देखिए हमने चावल को 80% तक कुक कर लिया है। हमारा कीमा देखिए भुन चुका है। हमने इसमें 3 हरी मिर्ची जो है वो कट करके डाला है। ये देखिए हमारा कीमा अच्छे से पूरी तरह से भुन चुका है। ये अब हम इसमें मसूर की दाल जो है जो उबाला था हमने वो ऐड कर लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक हम इसे भून लेंगे ताकि मूंग जो है मसूर में अच्छी तरह से हमारा मसाला मिक्स हो जाए और मसूर में भी वो मसाले का टेस्ट आ जाए। इसलिए हम इसे 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने इसे 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें से हम हाफ क्वांटिटी जो है वो अलग निकाल लेंगे। हमें लेयर बनाना है इसलिए हम हाफ क्वांटिटी अलग निकाल लेंगे। अब हमने इसे अच्छी तरह से सजा लिया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे 1 लेयर चावल की। देखिए कैसे खिले खिले चावल दिख रहे हैं। और इसे अच्छी तरह से हमें फैला भी लेना है। जो हमने राइस लिया था चावल उसकी हाफ क्वांटिटी हम इस हाफ लेयर में डाल देंगे। अब इस पे हम सुनहरा कांदा जो हमने सुनहरी कर ली थी प्याज वो और हरा धनिया डालेंगे। अब फिर से जो हमने आधा मसाला निकाल लिया था खीमा मसूर का वो डाल लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मतलब ऊपर लेयर फैला लेंगे। आप क्वांटिटी बोलिए तो चलिए आपको थोड़ा डालना है। अब
इस पे हम फिर से जो चावल की लेयर डालेंगे इसे भी अच्छी तरह से फैला लेंगे। फिर से जो हाफ क्वांटिटी डाला था उसका हाफ क्वांटिटी वो डाल देंगे। बीच में सिर्फ मिडल में कटा हुआ सुनहरा कांदा, प्याज, हरा धनिया, अब जो हमने कलर मिक्स करना है, कलर मिक्स किया था पानी में भिगाकर थोड़ा सा, वो डाल लेंगे। ग्रीन कलर और रेड कलर हमने यूज किया है, फूड कलर जो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब हमने इसे पूरी तरह से गार्निश कर लिया है, अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट तक इसे दम होने रख देंगे स्लो गैस के ऊपर। हमने देखिए इसे 5 मिनट दम कर लिया है, अब हम इसके ऊपर घी डाल लेंगे 1 चम्मच, देसी घी का हम यूज कर रहे हैं। घी डालकर अब हम इसे बंद कर लेंगे और अब हम इसे 10 मिनट तक तवे पे, एक तवा अच्छे से हमने गरम कर लिया है, अब उस तवे पे मीडियम आंच पे हम इसे दम करेंगे 10 मिनट तक, ताकि हमारी बिरयानी अच्छी तरह से दम हो जाए और जिससे हमारी बिरयानी नीचे टच भी नहीं होगा और जलेगी भी नहीं। अब हम इसे 10 मिनट बंद करके कुक होने देना है और इसके ऊपर कुछ भी वजन चीज रख दे ताकि आपकी भाप जो है वो बाहर ना निकले। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम हमारी बिरयानी पूरी तरह से पक चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमने अब इसे सर्व कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर भी करें और आप इस डिश को कचुम्बर या सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं।